साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भर्ती प्रक्रिया जारी है उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा और कैसे सिलेक्शन इसमें पाया जा सकता है, कितनी मेहनत की जा सकती है, कौन कौन से पोर्शन इसमें पूछे जा रहे हैं और इसमें सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, पावर क्या क्या होती है, कितनी आप जो है अपना प्रमोशन इसमें करा सकते हैं और पावर क्या हो सकता है और अपना रुआब झाड़ सकते हैं, सैलरी का पे स्केल क्या है और कितनी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के साथ। और यकीन जानिए, अगर ये स्ट्रेटजी आपके हाथ में आ गई और आपने समझ ली तो ये जॉब आपके हाथ में होगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि पहले भी कई लोगों को जॉब इस तरह मिल चुकी है, बस आपकी बारी है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की एएचसी से संबंधित जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी ग्रुप सी की, स्टेनोग्राफर की, उनमें क्या क्या तरीका हो सकता है और इसमें जॉब को पाया कैसे जा सकता है। आइए शुरू कर लेते हैं बेसिक से, क्या क्या चीजें आपको इसमें समझने वाली हैं। देखिए, हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है 2024-25 के लिए, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन से मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम पर भी थे। वो क्या क्या थे कि इसमें सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, पावर कितनी होती है, रुआब कितना होता है, ऊपरी इनकम कितनी होती है, जो कि मैंने लिखी नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है, देखते हैं उसका मैं क्या जवाब देता हूं आपको। और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, जो कि मैंने यहां पर आपको एंड में लिखकर बताया हुआ है और सही चीजें बताने वाला हूं। और इसका रिटर्न सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी कितनी होती है। देखिए, सैलरी के लिए मैंने पूरी डिटेल बनाकर रखी हुई है आपको, आइए समझाते हैं। देखिए, जो सैलरी जो है वो आपको यहाँ पर समझना होगा कि इसका जो सैलरी का जो पे स्केल है वो कितना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पे स्केल जो है 5200 से 20200 है, जो कि L1 है, मतलब लेवल वन है। ये लेवल वन उसको कहते हैं जो कि इससे नीचे किसी की सैलरी नहीं होती है, मतलब इस सबसे शुरुआती दौर की सैलरी होती है, इससे नीचे किसी की सैलरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया लेवल वन। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये L1, L2, L3, L4 और L5 मैंने लिख रखा है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर और लेवल फाइव का। आई होप कि सारी चीजें दिख रही होंगी, नहीं दिख रही थोड़ा मैं वीडियो को इसको ऐसे नीचे कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, अभी क्लियर होगा, है ना। तो बात करें तो ये ग्रेड पे है, ये बेसिक पे है और ये इनहैंड सैलरी आपको है। ठीक है, ग्रेड पे आपको कितना मिलता है वो यहां पर लिखा हुआ है और बेसिक पे आपका बनता कितना है ये लिखा हुआ है और आपकी कट पिटकर सैलरी आपके हाथ में कितनी है तो ये लिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि पे स्केल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो समझ लीजिए। इसके अंदर डीए आपका होता है, एचआरए होता है, टीए वगैरह नहीं मिल रहा है तो टीए इसमें नहीं मिल रहा है आपको, और भी इसमें डिडक्शन के साथ भी सारी चीजें होती हैं। तो बात करेंगे अगर ग्रेड पे की, तो L1 की अगर बात करें तो उसकी L1 है 1800 रुपए, इससे नीचे किसी का नहीं होता है। L1 की बेसिक पे होगी 18000 रुपए और कट पिट कर डिडक्ट होकर, कैसे डिडक्ट होता है, 18000 रुपए सैलरी बनती है जाकर आपकी, और डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद इसका 10% जितना बनता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका बेसिक पे होता है और इनहैंड सैलरी जो बनती है, इनहैंड सैलरी में क्या होता है कि सारी चीजें एड ऑन होकर कट पिट कर आपके हाथ में आती हैं। बेसिक पे में आपको डीए एचआरए वगैरह सब मिल जाएगा और लगभग 27-28 हजार आपका सैलरी बनती है, उसके बाद कट जाती है, डिडक्ट हो जाती है आपकी ग्रेजुएटी के लिए, आपके जो है एनपीएस के लिए, और उसके बाद आपके हाथ में 25000 रुपए आते हैं लगभग। बात करें अगर पेड अप्रेंटिस की, तो जिसका जो कि लेवल टू में आती है और इसको 1900 पे ग्रेड पे पर रखा गया है और इसकी बेसिक पे है 19900 और उसकी इनहैंड सैलरी कटने के बाद आपकी 28000 आती है लगभग। क्लर्क की बात करें तो लेवल थ्री की वैकेंसी, और इसके बाद डीए एचआरए और बाकी भत्ते लगाने के बाद करीब करीब 45000 की सैलरी बनती है इन हैंड आपकी कट पिटने के बाद, याद रखिएगा मेरी बात। तो ये है कितना गजब का सिस्टम सैलरी पैकेजेस का। उसके बाद आप बात करते हैं इसमें कि प्रमोशन इसका कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका प्रमोशन जो है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी जॉब आपको मिली हुई है उसी जॉब में आपको रहना पड़ता है। सपोज दैट आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं
तो ये नहीं है कि आप ग्रुप सी में चले जाएंगे या ग्रुप सी में हैं या आप स्टेनो बन जाएंगे, क्योंकि सबका स्किल लेवल अलग अलग है। एक चीज जरूर प्रमोट होती है जिसका नाम है इंक्रीमेंट सैलरी। आपकी सैलरी बढ़ती जाती है हर जो है तरीके से, जो भी तरीका गवर्नमेंट का होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं होता। आपको अगले जॉब में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप जा पाएंगे। क्लियर हो गई बात। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पावर कितनी है इसमें, इस जॉब को पाने के लिए। देखिए एक बात अगर करूं तो कि किसी भी कोर्ट में जब कोई जो ऑफिशियल्स जाते हैं ना, तो अपनी कैप तक उतारते हैं। अगर एक दरोगा इवन एसपी भी जाता है ना, अपनी कैप उतारता है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट है ऑनरेबल कोर्ट की। समझ में आ रहा है? तो ये रुतबा तो सबसे पहले कोर्ट का हो गया। और कोर्ट में ये मेंबर्स जब जॉब कर रहे होते हैं तो वो सीधा कनेक्ट होते हैं किससे? अपने सीनियर्स से, अपने बड़े अधिकारियों से, जजेस से भी, ग्रुप डी से लेकर स्टेनोग्राफर तक। सबसे ज्यादा कनेक्ट जो रहता है उसका नाम है स्टेनोग्राफर, क्योंकि इसका काम क्या रहता है, ये काम करता है मीटिंग वगैरह अटेंड करने का, और जो केसेस वगैरह होते हैं, डायरी जो बनानी पड़ती है उसमें शॉर्ट हैंड का यूज करते हुए काफी शॉर्ट में सारी चीजों को लिख लेता है, उसके बाद अपनी फाइलों को ये तैयार करता है। और बात करें अगर क्लर्क की, जिसका दूसरा नाम पेशकार भी होता है, और ये जॉब बहुत जबरदस्त होती है स्टेनोग्राफर के बाद, क्योंकि ये पेशकार एक वो काम है जिसमें जितने भी फाइलों को जजेस को सुनना होता है, वो फाइलों को रख रखाव का काम वही करता है। और एज अ प्रेजेंट के तौर पर अगर देखें तो जितने भी लोग जाते हैं अपने केसेस को सुनने के लिए, सुना हियरिंग के लिए, वो एज अ उसको प्रेजेंट के तौर पर शायद कुछ अमाउंट भी देते हैं, ऐसा सुना जाता है। अगर ऐसा सही होता हो तो सोचिए, अगर 100 फाइलें भी दिन भर में देख रहा है और मान के चलिए अगर उसको 10 रुपए भी मिल रहे हैं, तो कितना अमाउंट वो पर डे ऊपर से कमा सकता है, अंदाजा लगा लीजिए। और कहीं डिमांड कर ले तो क्या है? मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सोचिए कि इतने अगर हो गया तो क्या होगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी आपको यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दूसरे पोर्शन पर। ये सारी चीजें आपको हो गई, फटाफट फॉर्म को आपने भर ही दिया हुआ, अगर तैयारी में जुट जाइए। तैयारी में जुटने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और कोर्ट की नौकरी करना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में लिखाना चाहते हैं हाई कोर्ट, या अपने कोर्ट गाड़ियों में लिखवाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सोचिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और तब जाकर आप ये कामयाबी पा सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं करना है, स्ट्रैटेजी सुनिए क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए क्या है। ये एक रिटन एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट आपका होगा, सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डीबी वगैरह के देने पर। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, चाहे आप स्टेनो का दें, ड्राइवर का दें, क्लर्क का दें, चाहे ग्रुप बी का दें, आपको एक रिटन टेस्ट फेस करना होगा, जो कि होगा 100 नंबरों का। कितने का? 100 नंबरों का यहाँ पर एक टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स 25-25 के क्वेश्चन होंगे। तो 100 नंबर यहाँ पर आपके पूछे जाने वाले हैं आपके, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। अभी मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूं इसके बाद, पहले तो इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट चाहिए, जो कि बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कैसे? आप रिटन फेस करिए जिसमें से 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं, उसके बाद आपको 25-25 नंबर के दो पेपर फेस करने पड़ेंगे, जो कि टाइपिंग के होंगे। 25 नंबर हिंदी की, 25 नंबर इंग्लिश की टाइपिंग के लिए, 150 हो गया। और जो 50 नंबर है वो है शॉर्ट हैंड का, एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है आपको पता होगा, जो भरते हैं फॉर्म को उसका। इतना करने के बाद 200 की मेरिट बनती है, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सोचिए अगर किसी का टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जबरदस्त है, तो स्किल होता है ना, अगर सालों से कोई सीख रहा है, सालों से टाइपिंग कर रहा है, तो कितना शार्प हो गया होगा। और बाकी रिटर्न थोड़ा बहुत कमजोर भी है तो भी कितना आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए ड्राइवर की अगर हम बात करें, तो ड्राइवर में कोई एक पेपर होता है, दूसरा स्किल टेस्ट नहीं होता, मतलब स्किल टेस्ट का कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। जैसे कि अभी अपने स्टेनो में देखा, ड्राइवर के सिर्फ 100 नंबर का पेपर होता है रिटर्न, उसके बाद उसको जो स्किल टेस्ट फेस करना पड़ता है, उसका कोई नंबर उसमें ऐड नहीं होता है। बात करें अगर क्लर्क की, तो क्लर्क में भी बहुत हद तक स्टेनोग्राफर वाला ही शेड्यूल चलता है। कैसे? 100 नंबर का एक रिटर्न होता है, यही रिटर्न कॉमन हो रहा है हर जगह पर, बस वहां पर शॉर्ट हैंड की नहीं होता, बाकी टाइपिंग के लिए 25-25 नंबर वहां पर आपको मिलते हैं। 25-25 नंबर का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का ही होता है। समझ में आ गई बात? ये 150 नंबर पर आपकी जो है सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट बनती है। बात करें अगर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में दो पेपर होते हैं, दो रिटर्न पेपर होते हैं, 100 नंबर के एक पेपर होता है, उसके बाद छठनी मेरिट स्क्रूटनी होने के बाद 100 नंबर का एक और पेपर होता है। इस तरह 200 नंबर का यहाँ पर ग्रुप डी में सिलेक्शन आपका देखा जाता है, मेरिट बनती है। अब आप जानना चाहेंगे कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा, तो देखिए
जब पोस्ट अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग पड़े हैं, एग्जाम अलग अलग हुआ है, तो कट ऑफ भी अलग अलग होगा, मेरे पास जगह नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सबकी बताने वाला हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप सी और पेड अप्रेंटिस की दो कट ऑफ बता रहा हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ है ये, पिछली बार का, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। समझिए क्या है, मैंने बताया भी आपको क्लर्क और पेड अप्रेंटिस 150 पेपर 150 नंबर में मेरिट बनती है। तो ये रही आपकी कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की, और ये रही आपकी पेड अप्रेंटिस की। आप जूम भी कर सकते हैं इसको अच्छे से देखने के लिए, हॉरिजॉन्टल मोड पे भी लगा सकते हैं। हम बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की अगर हम पेड अप्रेंटिस की बात करें तो 124 मेरिट गई थी, पोस्ट इसमें कम होती हैं, और जूनियर असिस्टेंट की 127.84 गई थी, ओबीसी की 124 पिछली बार गई थी, और पिछली बार जूनियर असिस्टेंट में 125.717 गई थी। AEWS की पिछली बार जूनियर पेड अप्रेंटिस में 124 गई थी, और जूनियर असिस्टेंट में 125.717 गई थी। और SC की बात करें तो पेड अप्रेंटिस में 117 गई थी, और जूनियर असिस्टेंट में 118 गई थी लगभग। ST की पिछली बार कोई जॉब नहीं आई थी, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में 111 मेरिट यहां पर कट ऑफ आपको पिछली बार देखने को मिला था। याद रखिएगा ये 150 में है, 150 में 127 नंबर, 150 में 127 नंबर, अच्छा खासा यहाँ पर जो है परसेंटेज आपको देखा जा रहा है, करीब करीब 82-83% के आसपास यहाँ पर सिलेक्शन होता दिख रहा है। तो इसका मतलब माइनस मार्किंग ना होने से कट ऑफ काफी हाई जा रहा है, हर बार देखा जा रहा है। तो अब इस बार आप सोचते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक रफ फिगर यहां से आप खुद भी यहां से देख सकते हैं। आई होप कि सारी बातें यहां पर मैंने क्लियर कर दी हैं। अगले वीडियो में आपको मैं बाकी पोस्ट का कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपना रिलीज करूंगा, जो कि एक जबरदस्त कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेशन होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा। मैं देखो लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और तैयारियों में दोस्तों जुट जाइए, क्योंकि आसान है, इतना मुश्किल ये जॉब नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहां पर आपको जानने को मिलेगी नई जानकारी रिगार्डिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।